Hello friends, welcome in Parisha Media Lecture. Today we will study science. Standard 4th semester 2, chapter 10. Chapter 10 hai force, work and energy. First wala topic hai force. Force is the push or pull you apply to make things move. Push your table, pull your chair closer. What do you observe? Energy is required to do any kind of work. Force. Force यानि कि किसी चीज़ को move करने के लिए लगाया गया धक्का, खींचने या धकेलने के लिए. Table को push करना, chair को pass लेने के लिए pull करना. आपने क्या देखा? कोई भी कार्य करने के लिए energy चाहिए. Pull यानि खींचना, push यानि धक्का लगाना. Force is needed to pull or push something. You cannot move an object without using force. For example, you cannot push a ball without using force. To move a light object like pencil, you will have to use less force. And to move a heavy object like a table, you will have to apply more force. किसी चीज़ को धकेलने या पास लाने के लिए फोर्स जरूरी है. आप किसी भी चीज़ को फोर्स लगाए बगैर हिला नहीं सकते. जैसे एक बॉल को बगैर फोर्स के पुश नहीं कर सकते. पेंसिल जैसे हल्के ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए फोर्स कम चाहिए और टेबल जैसे हेवी ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए. What can force do? Look at the pictures. First वाला picture अगर हम देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो bowler है ball को फेंकने के लिए force लगाता है. Second वाला picture है batsman जो है ball का direction change करने के लिए force लगाता है. और third वाला picture है जो fielder है, यहाँ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है फील्डर है जो बॉल को रोकने के लिए फोर्स यूज करता है. Therefore a force can make an object move, change the direction of a moving object, stop a moving object. Force can also change the shape of an object. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, चलो इसको देख लेते हैं. टेक सम क्ले एंड रोल इट इंटू अ बॉल. Then make it into the shape of a pot. First you applied force to make it round and then into the shape of a pot. So different shapes can be made by applying force to clay. Next hamara point hai types of forces. There are different types of forces. Forces ke alag alag types hai. The force exerted by the muscles of our body is called muscular force. Muscular force किसे कहा जाएगा? यहाँ पे एक girl है, वो ऐसे कर रही है, exercise कर रही है, muscles यानि कि जो स्नायु होते हैं उससे उसको ऐसे move कर रही है, तो इसको बोलेंगे muscular force. Various tools use mechanical force to do work. यहाँ पे एक पिक्चर है मैकेनिकल फोर्स, यहाँ पे दिखाया गया है. ये जो साधनों का फोर्स करते हैं साधन द्वारा, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल फोर्स. इलास्टिक फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ कैटापल्ट. यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक बॉय है, उसके हाथ में गलोल है, वो ऐसे इलास्टिक से ऐसे कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक फोर्स. The force by which the earth pulls an object towards it is called gravitational force. यह जो धरती है force अपनी धरती का force अपनी ओर खींचने के लिए उपयोग होता है, उसे gravitational force कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है हमको और यहाँ पे gravitational force है, इसीलिए ये यहाँ से फल नीचे आ रहे हैं. अ मूविंग बॉडी स्लोस डाउन और स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल. एक चलते हुए चीज़ को रुकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का उपयोग होता है. फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जांपल में हम यह कह सकते हैं
कि आप एक बोल उठाइए और अपने कमरे में नीचे फ्लोर पर फ्लोरिंग पे ऐसे बोल को डालिए, तो बोल क्या होगा, यहाँ से ऐसे जल्दी से इस तरफ आ जाएगा। पर ये सोचो, अगर ये बोल आप बाहर लेके जाओ या फिर अपने कमरे में एक चटाई बिछा दो, कारपेट बिछा दो, उस पर ये बोल डालो, तो बोल इतनी जल्दी से इधर आ जाएगा? चलो सोचो आप, अगर कारपेट पे हम बोल रखेंगे और वहाँ से ऐसे बोल को थ्रो करेंगे या फिर वहाँ कारपेट पे बोल को जाने देंगे, तो इतनी जल्दी से यहाँ पे स्लाइड होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेन सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस है तो ये तेज़ी से चलता है बोल और फ्रिक्शन कम लगता है। अगर कारपेट पे बोल को चलाएंगे तो वहाँ पे रफ सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफ सरफेस हो जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्क। व्हेन यू यूज फोर्स टू मूव थिंग्स यू डू वर्क। वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ डिस्टेंस ऑन अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मूव अ टेबल, वर्क इज डन, बट इवन आफ्टर अप्लाइंग लॉट्स ऑफ फोर्स, इफ यू आर नॉट एबल टू मूव अ सेफ, नो वर्क इज डन। वर्क, वर्क मतलब कि कार्य करना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो हम कार्य करते हैं। जैसे आप एक टेबल को खसेड़ने के लिए फोर्स लगाते हैं तो कार्य होता है, मगर बहुत सारा फोर्स लगाने के बाद भी टेबल नहीं हिलता, मतलब टेबल वहीं का वहीं है और कार्य नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू साइंस, वी डू नॉट डू एनी वर्क इफ वी स्टैंड एट अ प्लेस विथ अ लोड ऑफ ऑन आवर हेड इवन फॉर अ होल डे बिकॉज देर इज नो मूवमेंट ऑफ द लोड। वर्क इज डन व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड, व्हेन अ डोर इज ओपन, व्हेन अ नट इज क्रैक्ड और व्हेन अ फ्लैग इज होस्ट। साइंस के हिसाब से अगर हम कोई वजन लेकर पूरा दिन भी एक ही जगह पर खड़े रहेंगे तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। कार्य तभी होता है जब कोई चीज़ उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं कि हम दरवाज़ा खोलते हैं, अखरोट तोड़ते हैं या फिर झंडा लहराते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनर्जी। व्हाई डू वी ईट फूड एवरी डे, हम हर रोज़ खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम खाना खाते हैं एनर्जी पाने के लिए। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स लाइक स्टडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग टू द डिफिकल्ट टास्क लाइक लिफ्टिंग, केयरिंग, क्लाइंबिंग। एनर्जी मतलब कार्य करने की क्षमता। हमें कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टडी करना है या वॉकिंग करना है, टॉकिंग करना है, प्लेइंग करना है, तो इन सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, ये जो है ये बॉय है, ये पढ़ रहा है, फिर यहाँ पे ये सभी वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ सामान इनके हाथ में है जो उठा रहे हैं, फिर यहाँ पे ये ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इन सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वी यूज़ एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे फूड, द सन, इलेक्ट्रिसिटी, वुड, LPG, विंड, वाटर एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 10 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हमने फोर्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस यानी कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब के बारे में हमने जाना। यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं।
फिर हमने वर्क के बारे में जाना। यहाँ पे एक बॉय है जो इस टेबल को यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो ये वॉक कर रहा है। पर ये यहाँ एक गर्ल है, खड़ी है कपबोर्ड के पास, कपबोर्ड को यहाँ से खींच रही है, पर कपबोर्ड यहाँ से हिल नहीं रहा है, तो वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था एनर्जी। एनर्जी हमको किससे मिलती है? फिर एनर्जी स्टडिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, इन सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 10 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।